आकाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप माथे पर तिलक देख रहे हैं, गले में माला देख रहे हैं, क्योंकि कारवा यहां से निकल रहा है और एक नई शुरुआत इनके लिए भी, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंदौर 3 सीट से। बड़ा दिन और बड़ा वक्त आपके लिए भी, पिता की छत्र छाया के नीचे अब आप एक नई जंग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं चुनावी मैदान। निस्संदेह बहुत बड़ा दिन है और मैं ईश्वर का, सभी शुभचिंतकों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और इंदौर की जानदार शानदार जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी वजह से आज ये शानदार दिन देखने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। आरोप जो है वो लगातार ये लग रहे थे कि कैलाश जी ने अपनी सीट छोड़ी आपके लिए, विपक्ष भी ये आरोप आपके, क्या जवाब आप इन आरोपों का देते हैं? नहीं, मैं खुद भी 10-12 साल से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूं, तो जब सर्वे पार्टी कराती है उसमें 3-4 विधानसभाओं से मेरा नाम आया था, तो निसंदेह माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का बेटा होने का तो लाभ मिला, मगर जो मेरी सक्रियता रही और जो पार्टी का सर्वे आया उसकी वजह से मुझे लगता है अंतिम मोहर लगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आप आगे बढ़ते बढ़ते, माफ कीजिए, हाँ, सिविल इंजीनियरिंग से आगे बढ़ते बढ़ते आप पहुंच गए हैं चुनावी मैदान तक, ये सफर कैसे बदला? शुरू से सोचा हुआ था राजनीति करनी है या पारिवारिक विरासत जो मिली उसी पर आपने आगे बढ़ने का विचार? नहीं, सामाजिक क्षेत्र में ही कार्य करना है ये तो मैं जब अमेरिका में मास्टर्स कर रहा था तभी से तय था। उसके बाद मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, मन ये था कि जब चुनाव होगा तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर 2 से लड़ते थे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा मेहनत करने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने यही सोचा था कि 2-4 दिन के लिए चला जाऊँगा चुनाव में, मगर अचानक महू से टिकट हो गया था उनका जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और थोड़ी पारंपरिक कांग्रेस की सीट रही है वो, तो वहाँ से मैंने दिल्ली से नौकरी वाइंड अप की और फिर महू में गया और उसके बाद महू की जनता ने भी बहुत प्यार दिया, कभी फिर वहाँ से निकलने की इच्छा ही नहीं हुई। तो प्लान तो था कि सामाजिक क्षेत्र में काम करना है मगर 6 महीने साल भर बाद स्टार्ट करूँगा ये प्लान था, मगर उसके 6-7 महीने पहले ही काम चालू करने का ईश्वर ने अवसर दे दिया, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये सारी यात्रा, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक एक कदम बड़ा महत्वपूर्ण था और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से और सारे समर्थक भी आपके मौजूद हैं। कैसे विश कर रहे हैं आप लोग? भारत माता की।